दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेट में बच्चा कैसे बनता है, कौन सा समय प्रेगनेंसी के लिए सही रहता है, और क्या आपने ये सोचा है कि पेट में बच्चे के 3 महीने बाद अबॉर्शन क्यों नहीं किया जा सकता? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए सबसे सही समय कौन सा होता है। दरअसल इसे साइंस में ओवुलेशन कहा जाता है। ये पीरियड्स के 6 से 14 दिन के बीच में होता है, यानी इसके 1-2 दिन पहले संबंध बनाने से प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इस समय स्पर्म के मिलने से फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके 5-6 दिन बाद ही वो सतह पर जाकर चिपक जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि महिला को ये कैसे पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। दरअसल अगर पीरियड्स के 4th हफ्ते बाद भी दोबारा पीरियड्स नहीं आते तो प्रेगनेंसी का टेस्ट करना चाहिए। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, उसके आसपास पानी की एक थैली बनने लगती है जो बच्चे के लिए तकिए का काम करती है। इसके बाद एक गोल्ड डिस्क ऑर्गन बनने लगता है जो माँ और बेबी को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिससे माँ के सभी न्यूट्रिएंट्स बेबी को मिलने लगते हैं। पहले महीने में बेबी का चेहरा आकार लेने लगता है और इस दौरान मुंह, आंखें और गला भी बनने लगता है। साथ ही में ब्लड की नर्व्स बननी शुरू हो जाती हैं और साथ ही बेबी के अंदर ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। पहले महीने में बच्चे का साइज एक चावल के दाने से भी छोटा होता है। दूसरे महीने में चेहरा और भी क्लियर होने लगता है। चेहरे के दोनों तरफ कान भी बनने शुरू हो जाते हैं और बच्चे की हड्डियां बननी शुरू हो जाती हैं। इसके 6th हफ्ते में बच्चे का दिल भी धड़कना शुरू हो जाता है। इसके बाद दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है, जिससे बच्चे को छूने का एहसास होने लगता है। इस मंथ के अंत तक बेबी का वजन 1 ग्राम का हो जाता है और इसके बाद 9वें से 13वां हफ्ता बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। इस समय तक बच्चे के हाथ पैर उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती हैं। इस महीने के अंत तक हार्ट आर्टरीज और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और इस फेस में बेबी आंखें चढ़ाना और मुंह बनाने जैसे एक्सप्रेशन देने लगता है। अब बेबी के विकास होने का पहला चरण 3 महीने में पूरा हो जाता है और इसीलिए अबॉर्शन के चांसेस खत्म होने लगते हैं। 3रे महीने के लास्ट में बेबी का वजन 4 ग्राम तक हो जाता है। अब इसके बाद सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि बच्चा भी माँ से जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है और इसीलिए डॉक्टर 3रे महीने के बाद अबॉर्शन की सलाह नहीं देते। अब बेबी सर घुमाना और अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। यही वो फेस है जब डॉक्टर बच्चे की धड़कन सुन सकती है और डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख दे देते हैं। इस समय बच्चे का वजन करीब 100 ग्राम तक हो जाता है। 5वें महीने में सर के बाल बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बेबी के सर पर एक वैक्स की कोटिंग होती है जो जन्म के समय झड़ जाती है। अब बच्चे का वजन 300 ग्राम का हो चुका होता है। 6ठे महीने में बेबी का रंग लाल हो जाता है, जिसमें से आर्टरीज दिखाई देती हैं और बेबी के महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो किसी भी आवाज को महसूस कर सकता है और इसीलिए माँ को सलाह दी जाती है कि वो अच्छा म्यूजिक सुने और तेज आवाज में कहानियाँ पढ़े। अब 7वें महीने में बच्चे में फैट बढ़नी शुरू हो जाती है और बेबी लाइट पर भी रिएक्शन देने लगता है और बेबी की मूवमेंट भी बढ़ जाती है। अब 8वें महीने में बेबी और भी मैच्योर होता चला जाता है और दिमाग का विकास बहुत तेजी से होता है। इसमें फेफड़ों के अलावा सभी शारीरिक अंगों का विकास हो चुका होता है और बेबी अक्सर किक भी मारता है। इस महीने में बेबी करीब 2000 ग्राम का हो चुका होता है और लंबाई 42 सेंटीमीटर होती है। 9वें महीने में बच्चे के फेफड़े भी पूरी तरह से बढ़ चुके होते हैं और इसके साथ साथ आंखें झपकाना, सिर घुमाना, हाथ से पकड़ना, ये सभी चीज़ों की क्षमता भी बढ़ने लगती है। अब इस महीने में पेट में जगह कम होने की वजह से बेबी की मूवमेंट कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन करीब 2.5 किलो तक का हो जाता है और इसके बाद ही जब डिलीवरी का समय आता है तब माँ को दर्द होना शुरू हो जाता है। अब बेबी पूरी तरह से बाहर आने के लिए तैयार होता है। जन्म के समय नॉर्मल सिचुएशन में बेबी का सर पहले बाहर आता है और फिर धीरे धीरे बाकी का शरीर भी बाहर आ जाता है। इसके बाद बच्चे और माँ के बीच की नाड़ी को काट दिया जाता है और इस तरह एक बच्चे का जन्म किसी माँ के पेट से होता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।